We live to protect. We die to serve. Mumbai Police डरपोक है। गाइस कैसे हैं आप सब दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे तमिल मूवी दरबार के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म की बजट कितनी है और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगदास, वही A.R. मुरुगदास जो इससे पहले गजनी सरकार और हॉलीडे जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम लेटेस्ट वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए तुरंत। अगर बात की जाए इस फिल्म की प्रोड्यूसर की, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है A.S. सुब्रमण्यम ने, वही A.S. सुब्रमण्यम जो इससे पहले रोबोट जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी और बड़ी मूवी प्रोड्यूस कर चुकी है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है अरविंद रविचंद्रा ने। फिल्म की रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस फिल्म की रनिंग टाइम काफ़ी नॉर्मल रखी गई है। इस फिल्म की रनिंग टाइम लगभग 150 मिनट। दोस्तों मेन स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में देखेंगे तमिल के सुपर स्टार रजनीकांत, नयनतारा, निवेदन थॉमस, सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर और साथ ही साथ रवि किशन, सौरभ शुक्ला भी दिखाई देंगे। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की जनरल की, तो यह फिल्म एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड है। दोस्तों एक साथ कई तमिल फिल्म रिलीज होने के कारण आपस में सबकी स्क्रीन बढ़ गई है, लेकिन जिस हिसाब से दरबार बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर रही है उस हिसाब से काफ़ी लाजवाब है। अगर बात की जाए इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं यह फिल्म कितने बजट में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों इस फिल्म की प्रमोशिंग और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग सहित इस फिल्म की टोटल बजट है लगभग 100 करोड़। अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग की, दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया गया लगभग 600 स्क्रीन। दोस्तों ऑलरेडी तानाजी और छपाक और उससे पहले रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर बनी है, इसलिए इस फिल्म को उतना स्क्रीन नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। दोस्तों यह फिल्म हिंदी वर्जन में रिलीज हुई है लगभग 600 स्क्रीन पर। और वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म की तमिल, तेलुगू और मलयालम में और वर्ल्ड वाइज की, तो टोटल इस फिल्म को रिलीज किया गया है लगभग 4500 स्क्रीन। अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं यह फिल्म अपने राइट्स बेचकर कितने इकट्ठे किए हैं, यानी कि इस फिल्म की पी रिलीज बिजनेस के बारे में। दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म के राइट्स ऑल लैंग्वेज में बिके हैं लगभग 130 करोड़ में, जो कि इससे पहले रोबोट और ब्लिंग जैसे मूवी को इतना ज़बरदस्त राइट्स बिके हैं। अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, दोस्तों आपको बताते चलें फर्स्ट डे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस, यानी कि हिंदी वर्जन में ग्रॉस में कमाया था लगभग 50 लाख के आसपास। दोस्तों बात की जाए दूसरे दिन ऑलरेडी तानाजी और छपाक जैसे मूवी रिलीज होने के कारण इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 2 करोड़ 75 लाख का, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 45 लाख के आसपास। दोस्तों अगर बात की जाए तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 3 करोड़ 20 लाख का, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 70 लाख के आसपास। दोस्तों बात की जाए चौथे दिन यानी कि संडे को जिस हिसाब से आज का एक पेंसी और डाटा सामने निकल के आया है, यह फिल्म इंडिया में कलेक्शन कर सकती है लगभग 3 करोड़ 40 लाख का, वहीं ग्रॉस कमा सकती है लगभग 60 लाख के आसपास। दोस्तों इस फिल्म के 4 दिनों का टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइज हिंदी में कलेक्शन होते हैं लगभग 12 करोड़ 50 लाख का। इस फिल्म ने हिंदी में इंडिया से कलेक्शन किया है, वहीं बात की जाए ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म ने कलेक्शन किया लगभग 2 करोड़ 30 लाख का। दोस्तों टोटल इस फिल्म के हिंदी वर्जन के कलेक्शन होते हैं लगभग 14 करोड़ 80 लाख का। दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म हिंदी वर्जन में कितना और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।